नमस्कार, आप कैथल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं अजय। मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो थाना टोल प्लाजा के आसपास लगते जितने भी गांव हैं, क्योड़क, जसवंती, बलवंती, नो जैसे जो बड़े गांव हैं वहां के लोग हैं, और इनका कहना है कि इन पर टोल लिया जा रहा है। और क्योंकि जो पहले टोल 70 रुपये जिसकी वैल्यू थी, अब वो 170 रुपये हो गया है, तो उनको महंगा पड़ता है। और इनका कहना है कि हम टोल देना नहीं चाहते, तो हमारा टोल माफ़ किया जाए। बाकी पूरी जानकारी के लिए इन्हीं के पास चलते हैं। देखिए, आज का जो मुद्दा है, जैसे कि आपको पता है, आप सारे पत्रकार साथी मेरे साथ इस मुहिम में पिछले साल भी थे, और पिछले साल भी हमने इस मुद्दे को उठाया था। जो ये थाना टोल टैक्स है, यहाँ पर पहले 70 रुपये ले जाते थे, और अब किसान आंदोलन के बाद अचानक 140 रुपये कर दिए। डबल रेट हो चुका है, 170 कर दिया है रेट अब। हाँ, 70 से 170 कर दिए। अब सिचुएशन ये है कि जो उसके आसपास के गांव थे, जैसे क्योड़क, दस्योंती, बलियोंती, द्योरा, ज्याणा, नोच, टीक, गुमथड़ा, बरोट, बंदराणा, खेड़ी, रसूलपुर, ये जितने भी 10 किलोमीटर के एरिया में आते हैं जो गांव, उनके लिए इस टोल नाके को हम फ्री करने की प्रशासन से, NHAI से या उस कंपनी से दरख्वास्त करते हैं। और वो इसको करें ना करें, आज से, इस वक्त से, जितने हमारे ग्रामवासी, हमारे बुजुर्ग, हमारे यहाँ पे पंचायत हुई थी और हमारे बुजुर्गों ने ये डिसाइड किया है कि ये एक नजायज कर है। जैसे एक जजिया कर होता था, उसकी तरह भी ये एक कर है। और हम इसको अपने ही खेतों में जाने के लिए, वहां तक क्योड़क की जमीन उस टोल नाके के आगे तक है, बेगपुर गांव है वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर पे है, जिसोंती, बलियोंती, ये जितने गांव है यहाँ पर आपस में रोज का आना जाना है, भाईचारा है, आपस में रिश्तेदारियां हैं लोगों की। तो क्या अब हम किसी के मरने में जब जाएं तो क्या 300 रुपये का टैक्स दिमाग पर लेकर चलें? क्या जब हम किसी की शादियों में जाएं तो कन्यादान, ठीक है, हमारा सामाजिक सिस्टम है और वो करना भी चाहिए, तो क्या जो एक गरीब आदमी है जब वो इन गांव में जाएगा, एक 300 रुपये क्या आप अगले साल 500 रुपये हो जाए, वो कहाँ से लेकर आएंगे इतने पैसे? तो आज हम मीडिया भाइयों को सिर्फ एक चीज बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ शाहजहांपुर है सरसावा, वो भी NHAI तो पूरे इंडिया के अंदर सेम उससे रूल से फॉलो करता है, वहां पर 44 गांवों की लिस्ट प्रशासन को स्थानीय लोगों ने दे रखी है, वो सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाते हैं और उनकी गाड़ियां वहां से जाने दी जाती हैं। गरौंडा के पास है कुटैल, वहां का मामला देख लो, यमुनानगर देख लो, आप पंचकुला से निकलते ही टोल टैक्स है, एक नरवाना से निकलते ही टोल टैक्स है। मैं आपको कम से कम 10 ऐसे टोल टैक्स गिना सकता हूं जिन्होंने अपने आसपास के 10 किलोमीटर के गांवों को फ्री किया हुआ है। आज क्या निर्णय लिया आपने? आज हमने अभी अभी DC महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा है और उनको ये अपनी पीड़ा समझाई है कि भाई हम ये जजिया कर देने में बिल्कुल असमर्थ हैं। और DC साहब ने भी बड़े पॉजिटिव वे में इसको लिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी, किसी भी तरह की जो भी संभव प्रयास हो सकेगा वो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए, लेकिन आज से डिसाइड करते हैं। अब भाई, जितने इन गामा के लोग हैं, जड़ से अपने 10 किलोमीटर माँ हैं, आज तक उठाए 1 रुपया देना बंद कर दो। किसी भी डाल की, चाहे कोई धक्का करो, चाहे कुछ करो, अपना यू टैक्स बिल्कुल नहीं देना। और एक दिन आप इकट्ठे होंगे, कल ना हम अम्बाड़ा भी जाओगे NHAI में, उनसे बात करने के बाद आपको एक दिन और समय दे दिया जाएगा, सारे के सारे वहाँ पहुँचियो, कल आपको दिन और समय, कल या परसों दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई टोल टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी बात को कहाँ देखते हैं? देखिए, जब तक मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई टोल टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़े ना है। यहाँ पे 70 से 170 हो चुका है थाना टोल टैक्स में। हम तो 100 रुपये भी नहीं दे सकते, हम तो इसको फ्री चाहते हैं। या तो पूरे इंडिया के अंदर एक ही सिस्टम हो, भाई NHAI नेशनल हाईवे है, अगर औरों का ये 5-10 किलोमीटर फ्री कर रखा है तो हम भी अपना फ्री करवाएंगे। और मैं तो कहता हूँ पूरे इंडिया दे या ना दे, हम अपने खेत में जाने के लिए, अपने दोस्तों पे जाने के लिए हम 1 रुपये भी देने के लिए तैयार नहीं है, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। मुख्यमंत्री नहीं, टोल देना इन गांवों के स्थानीय नागरिकों को, हम ये कहते हैं कि आज से ही, अभी से ही टोल देना बंद है। कम से कम मैं तो नहीं दूंगा, मेरे अंकल जी, ये जितने भाई साहब खड़े हैं, ये बेगपुर से खड़े हैं, ये द्योरा से खड़े हैं, जाना जिसे उनकी बिलोंगी, कोई नहीं देता। दोनों हाथ खड़े करके एक बार अपनी और विपक्ष की बात है, हर इंसान अपनी अपनी पार्टी के साथ है, अपने अपने सिस्टम के साथ है। ये मामला किसी हम सरकार और विपक्ष का नहीं बनने देंगे, ये मामला हमारे 36 बिरादरी के
सबका, सारे गांव का एक मुद्दा, एक मामला है और ये हमारा स्थानीय मामला है बस। और इसमें हम कहीं कोई टोल टैक्स नहीं देंगे। और एक बार आप भी बोल रहे हो।